अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। वो लड़की गई संडास लैट्रिन में गई है, वहाँ से किडनैप करके जो है उठा करके ले जा करके ट्रक में डाल दिए मार करके। कितने बजे की है ये घटना? अरे 4 बजे थे कुछ ऐसा आपको संदेह था? नहीं, ये किसी से पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं किसी से। तो फिर कौन लोग किडनैप कर ले गए आपको, किसके ऊपर संदेह है? हमको किसी के ऊपर संदेह नहीं। तो हम वहाँ गईली है तो देखली है, तो जब ऐसे उठा के देखली तो हमारे हाथ इतना गबदे वही में पड़ गल, इतना खूने से हमारे हाथ डूब गए। डूब गल है तो कहते क्या हो पापा, इतना बुद्धि निकल के एकदम छुलत रहा। ऐसे ही पेटे के बगल ऐसे ही रह गई कहीं, ऐसे ही पेटे के बगल हिस्सा ऐसे दबाए ले, ऐसे ही बस रह गई कहीं। यही सर पर चोट लगा था बस, रेलवे से कोई उसका छुआई नहीं है, कोई टच नहीं है। ना तुमको रग रहिलो ना रहला तो निको ना, वो ट्रक में तिखा करके इसे फेंक दिए। चोट लगी है? हाँ, यही पहुँच चोट भैया। 7 बजे फोन किए थे 100 नंबर पर डाल करके। कितने में आपकी बिटिया पढ़ रही थी और कहाँ पर? विवेकानंद में पढ़ रही थी 10 में। गौडी में एक भूमिका पांडे नाम की लड़की, उसके पिता का नाम कमला पांडे, उन्होंने कमला पांडे के द्वारा तहरीर दी गई कि मेरी पुत्री की जो है 16 वर्षीय कि डेड बॉडी जो है रेलवे पटरी के बीचों बीच में पड़ी हुई है। इस सूचना पर हम भी गए और हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय श्री सुरेंद्र नाथ यादव साहब भी गए और मौके पर हम लोग घटनास्थल को भी देखे और घर से लगभग 150-200 मीटर की दूरी पर डेड बॉडी उसकी रेलवे ट्रैक के बीचों बीच में पड़ी हुई थी। उसकी तहरीर के अनुसार उन्होंने जो है इस अभी कोई ऐसी बात नहीं जाहिर की है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी घटना की बात को ध्यान में रखते हुए पीएम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया है और पीएम रिपोर्ट जैसे ही आती है और अगर उसमें किसी प्रकार का बच्ची के साथ कोई अगर अपराध किया गया होगा तो हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी से उस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिए हैं और जैसे ही कुछ हमें मिलता है फिर कार्रवाई होगी।